हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नीशियन सुमन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ये जो चैन सॉ मशीन है इसका पुली का प्रॉब्लम है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो चैन है इसका लोड नहीं लेता है। तो इसका प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूं और इसका जो प्रॉब्लम है मैं आज ठीक करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और मैं क्या क्या कर रहा हूं आप देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो पुली है इसका, ये देखिए जब खींचता है चैन तो ये पूरा होल हो चुका है बीच में से, देख सकते हैं पुली। मैं नया वाला पुली आपको दिखाता हूँ, आपको बराबर पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए ये जो पुली है, ये देखिए इससे चैन खींचता है, ठीक है। तो ये बीच में से पूरा सेंटर में से होल हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं निकालता हूँ और नया वाला जो पुली है मैं डाल के दिखाता हूँ। तो कैसा डालना है ये देखिए, ये मंकी प्लेयर लेना है और इसको पकड़ना है, फिर ये 13 नंबर पाना से आपको उल्टा घुमाना है, ठीक है। तो ये टाइट जब करेंगे तो ये खोलता है, ठीक है, उल्टा थ्रेड है। तो ये निकल गया, अभी इसको निकाल लीजिए, मैं इसको निकाल देता हूँ, देखिए। और ये वाला आप देख सकते हैं पुली पूरा बीच में से ये पूरा होल हो चुका है, ठीक है पूरा। तो इसको हम ये वाला नया वाला पुली डालेंगे, ये देख सकते हैं मैं कैसे डालता हूँ। देखिए पहले आपको वाशर लेना है, इसका वाशर सेट आता है दो बड़ा, एक नीचे डालना है, फिर जो नया वाला ये देखिए ये पुली को डालना है, इसका घाट रहता है इसके बराबर से डालिए और इसके ऊपर और एक वाशर डालिए, फिर छोटा वाला वाशर आता है उसको डालिए, ये वाला नहीं ये ज़्यादा छोटा है, तो ये वाला वाशर है ये छोटा वाला डालिए, फिर एक स्प्रिंग वाशर डालिए, बाद में इसका जो नट है उसको डाल के इसको टाइट कर लीजिए। ये आसानी से आपको करने को हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। खाली ध्यान रखिए इसको उल्टा खुलना है और उल्टा टाइट देना है। अभी जो हमारा प्लेट है उसको लगाना है, तो ठीक है। तो ये कैसा लगाते हैं, पूरा चैन फिटिंग कैसा करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में मैं चालू करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये प्लेट है इसका, नया वाला जो पुराना है ख़राब हो चुका था, तो ये वाला की लगाना है आपको नीचे, फिर इसका जो प्लेट है इसको लगा के इसके ऊपर चैन डाल के आपको फिटिंग करना है, ठीक है। तो आगे देखिए ये वाला नया चैन है, तो ये मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा प्लेट में आपको जो पत्ती है इसमें लगा लेना है, फिर इसको देखिए अच्छे से ऐसा डालना है बीच में, और ये जो की है इसका जो पत्ती का जो दो होल दिख रहा है एक में से ये घुसना है, बाद में ये चैन को एडजस्ट करता है आगे पीछे, ठीक है। ये देख सकते हैं ये वाला मेरा उंगली जहाँ पे मैं दिखाया, ठीक है। तो ये चैन अभी लग गया है, फिर आपको क्या करना है ऊपर वाला ये कवर जो सेफ्टी गार्ड है ढक्कन लगाना है, बाद में इसके ऊपर दो नट बोल्ट उसका जो बोल्ट रहता है ये देख सकते हैं ये बोल्ट को डालना है और डाल के अच्छे से टाइट कर लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और काम सीखने के लिए। और इसके ये मशीन के ऊपर आपको कुछ भी रिपेयरिंग का काम सीखना है तो मेरा वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैं इसको लगा के हल्का टाइट कर देता हूँ दोनों बोल्ट को, क्योंकि हमको चैन को भी एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो आपका जो चैन है लूज हो जाएगा या ज़्यादा टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये वाला जो मैं की डाला था इसको मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर रहा हूँ अभी। तो चैन को थोड़ा लूज रखिए, यहाँ पे पत्ती के पास जो मैं बोल्ट डाला तो अभी देखिए मैं हाथ से खींच रहा हूँ, ये चैन बराबर हाथ से घूम रहा है, ठीक है। तो अभी चैन को अच्छे से तरह से एडजस्ट करके ये जो मैं अभी बोल्ट टाइट कर रहा हूँ ये फाइनल टाइट है, ठीक है। तो ये फाइनल टाइट होने के बाद ये पूरा जो पत्ती है और पूरा मशीन के साथ पूरा बहुत ही टाइट से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो चैन है वो हिलेगा नहीं या मतलब लूज नहीं होगा। अभी मैं चालू करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैं पावर लगाया, अभी चालू करता हूँ, स्विच देता हूँ, देखिए कितना अच्छे से घूम रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये आप लूज देने के बाद भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए और काम सीखने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में।